अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, आपको तरह तरह के जानदार दिखाई देंगे। कहीं बुलंदोबाला दरख्त हैं, कहीं उड़ते हुए परिंदे और कहीं ज़मीन पर भागते हुए जानवर। कुछ जानदार तो ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। पानी, मिट्टी और जानदारों के जिस्म में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको इन्हीं जानदारों की जमातबंदी या क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि जमातबंदी क्यों की जाती है? जमातबंदी के उसूल और तरीके क्या हैं? जमातबंदी से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? आज इस प्रोग्राम में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानवरों के मुख्तलिफ फ़ाइला और उनकी आम खसूसियात के बारे में बताएंगे। अज़ीज़ तलबा, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में लाखों की तादाद में जानदार पाए जाते हैं। मसलन एक अंदाज़ा है कि दुनिया में जानवरों की तकरीबन 950,000 स्पीशीज़ हैं और पौधों की तकरीबन 3,43,000 स्पीशीज़ हैं। आपको मालूम है कि स्पीशीज़ जानदारों के ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके जानदारों के दरमियान कुदरती तौर पर बाहमी मिलाप से उन्हीं जैसे काबिले अफजाइश नस्ल बच्चे पैदा हो सकें। जानदारों की इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं कि इनके बारे में इनफरादी तौर पर जानना बहुत मुश्किल और गैर ज़रूरी भी है। जमातबंदी के बहुत से फ़ायदे हैं। जमातबंदी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे हमें जानदारों की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के बारे में अलहदा अलहदा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें ग्रोहों की खसूसियात जान लेने से उसमें शामिल स्पीशीज़ की अहम और नुमाया खसूसियात का इल्म हो जाता है। इसके अलावा दूसरे फ़ायदे ये हैं कि इससे हमें जानवरों को पहचानने, उनको बाहम मुकाबला मुवाजना करने और हवाला देने में आसानी हो जाती है। आइए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। क्या आप डिक डिक को जानते हैं? उसकी शक्ल कैसी होती है? नहीं, मेरे ख्याल में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका ताल्लुक हिरनों और बारहसिंगों के ख़ानदान से है। अब आपको समझने में थोड़ी आसानी हो गई होगी। ये रही डिक डिक की तस्वीर। ये हिरन की बौनी शक्ल है। इसकी पिछली टांगें कदरे बड़ी और अगली टांगें छोटी होती हैं। यानी जमातबंदी के बारे में हम कह सकते हैं कि जमातबंदी से अशिया, लोगों, जानदारों और वाक़ियात के गिरोह में तंजीम व तरतीब पैदा होती है, जिससे इन्हें पहचानना, इनका हवाला देना और उन्हें तलाश करना आसान हो जाता है। सन 1733 में कैरोलस लीनियस नामी साइंसदान ने साइंसी बुनियादों पर क्लासिफिकेशन की इब्तदा की। जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए लीनियस का मुरतब करदा निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे साइंस में तरक्की के साथ साथ इसमें काफ़ी रद्दोबदल किया गया है। जमातबंदी का जो तरीका बनाया गया है उसमें जानदारों को ग्रोहों में तकसीम दर तकसीम करते चले जाते हैं और ये तकसीम का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखा जाता है जब तक कि ऐसे ग्रोह न बन जाएं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के स्पीशीज़ के जानदार हों। ये जमातबंदी कई मराहिल में तय होती है और हर मरहला पर बनने वाले गिरोह को एक मखसूस नाम दिया गया है। पहले मरहले में जानदारों को दो बड़े गिरोहों में तकसीम करते हैं। एक को प्लांट किंगडम का नाम देते हैं, दूसरे को एनिमल किंगडम, यानी कि पौधों की किंगडम और जानवरों की किंगडम। अब इन दोनों किंगडम्स का मुतालिया और मुशाहिदा करके इनमें मुश्तरक खसूसियात वाले जानवरों को
मज़ीद एक छोटे गिरोह में रख लेते हैं जिनको फाइला कहते हैं। फाइला जम है जबकि इसका वाहिद फाइलम है। अब हर फाइलम के में मौजूद मुश्तरक खसूसियात वाले जानवरों को मज़ीद गिरोहों में बांट लेते हैं जिनको हम क्लासेस कहते हैं। अब क्लासेस के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर को फिर मज़ीद छोटे गिरोहों में बांटते हैं जिसको फैमिलीज कहते हैं। फैमिलीज के बाद जेनरा आता है, जेनरा जमा है जबकि इसका वाहिद जीनस है। और सबसे आखिर में एक ऐसा गिरोह बन जाता है जिसमें एक ही तरह के स्पीशीज़ के जानदार मौजूद होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जमातबंदी किस बुनियाद पर की जाती है। ये तकसीम जानदारों की कई खसूसियात की बुनियाद पर की जाती है, मसलन उनके स्ट्रक्चर यानी कुल साख्त, उनके सिस्टम यानी निज़ाम, उनके ऑर्गन्स आज़ा टिश्यूज़ सेल स्ट्रक्चर या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दरमियान जो मुमासलत पाई जाती है उस बुनियाद पर की जाती है। इस सारे सिलसिला को जमातबंदी स्कीम कहते हैं। जमातबंदी स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे हमें जानदारों के दरमियान बाहमी ताल्लुक का पता चलता है। इसी तरह अगर हम निचली सतह से यानी स्पीशीज़ की सतह से शुरू करें और देखें कि इस तरह जानदारों का ताल्लुक कैसे वाज़े होता है। जिन जानदारों के दरमियान कुदरती तौर पर बाहमी मिलाप से अफजाइश नस्ल बच्चे पैदा हो सकें उन्हें एक गिरोह बनाकर स्पीशीज़ का नाम दे दिया गया है और फिर स्पीशीज़ का मुताला करके उनमें से एक सी खसूसियात वाली स्पीशीज़ को इकट्ठा करके एक गिरोह में डाल दिया गया है। इन गिरोहों को जेनरा यानी जीनस भी कहते हैं। एक सी खसूसियात वाले जेनरा को इकट्ठा करके फैमिलीज़ का नाम दिया गया है। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है यहाँ तक कि हम फाइला और फिर किंगडम तक पहुँच जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये तो था जमातबंदी का तरीक़ाकार और उसकी बुनियाद। आइए अब देखें एनिमल किंगडम को कितने फाइला में तकसीम किया गया है। इसके लिए आपको बायोलॉजी की एक लेबॉरेटरी लिए चलते हैं जहां पर मोहतरमा इफ़त गुल एजाज साहबा आपको फाइला के बारे में बताएंगी। एनिमल किंगडम को 10 मुख्तलिफ फाइला में तकसीम किया गया है। हर फाइला में शामिल जानवरों में कुछ ना कुछ खसूसियात मिलती जुलती होती हैं। अज़ीज़ तलबा, आप ये देखेंगे कि हर फाइलम का एक मखसूस नाम है और ये ऐसा नाम है जो उनकी किसी न किसी खसूसियत को ज़ाहिर करता है। हर फाइलम में से हम एक या दो मिसालें बतौर नमूना लेंगे। ये देखिए, इस बीकर में ऐसे जानवर हैं जो हमारे फाइलम प्रोटोजोआ में शामिल हैं। आप कहेंगे कि इसके अंदर तो कोई भी जानवर नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि फाइलम प्रोटोजोआ में ऐसे जानवर शामिल हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और हम इन्हें खाली आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। आइए देखते हैं। ये देखिए, हम इस पानी का एक कतरा लेते हैं और इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसके अंदर जो जानवर शामिल हैं उनका मुशाहिदा करते हैं। इस पानी में मुख्तलिफ शक्लों के बहुत से जानदार नज़र आ रहे हैं। इनमें कुछ गोल हैं, कुछ स्लीपर की शक्ल के हैं और कुछ बेढब से हैं। लेकिन इन सब में एक खसूसियत है और वो ये कि इनका जिस्म सिर्फ एक खलिये पर मुश्तमिल है, यानी ये यूनिसेल्युलर हैं। इसीलिए इन्हें एक फाइलम में रखा गया है और ये वाहिद खलिया ज़िंदगी के तमाम काम सर अंजाम देता है। ये पैरानिशियम है। इसकी शक्ल स्लीपर की तरह होती है। इसके जिस्म के गिर्द बारीक धागे की तरह के सीलियाँ हैं। पैरानिशियम इन सीलिया ही की मदद से तैरता है। ये दूसरा जानवर अमीबा है। अमीबा का जिस्म बेतरतीब होता है, यानी इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती और ये शक्ल भी बदलती रहती है। अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो एक गाढ़ा मादा है। अमीबा सूडोपोडिया के ज़रिए हरकत करता है। ये उंगली नुमा साख्ते हैं जो किसी भी सिम्ट में नमूदार होती हैं।
अमीबा का साइटोप्लाज्म इसी सिम्प में चल पड़ता है और यूं अमीबा एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। अब आप जिस फाइलम के जानवर देख रही हैं उसका नाम पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा का मतलब है सुराखों वाला। इस फाइलम में ऐसे जानवर शामिल किए जाते हैं जिनके जिस्म में बहुत सारे सुराख होते हैं। आइए देखते हैं। पॉरीफेरा में शामिल जानवरों को आमतौर पर स्पंजस भी कहा जाता है। ये देखिए, ये एक स्पंज है। ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये ज़िंदा नहीं है। यकीन कीजिए, जब ये ज़िंदा होते हैं तो इन्हें बाकायदा खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पानी जब इनके सुराखों के ज़रिए इनके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो उसमें शामिल ऑक्सीजन और ख़ुराक को जज्ब कर लेते हैं और बाकी पानी इन सुराखों के ज़रिए वापस चला जाता है। इनका जिस्म बहुत से खलियों पर मुश्तमिल है, यानी ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। लेकिन दूसरे मल्टी सेलुलर एनिमल्स की तरह इनके जिस्म के सेल्स बाकायदा टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम्स की सूरत में मुनज़्ज़म और मरबूत नहीं हैं। ये सेल्स काफ़ी हद तक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इस हद तक मुनज़्ज़म ज़रूर हैं कि ये मिलकर बहुत सी नालियाँ या ट्यूब्स बनाते हैं जो एक दरमियानी बड़ी कैविटी में खुलती हैं। इस तरह इस स्पंज में जो आप देख रहे हैं ये लेस की तरह की बनी हुई एक खूबसूरत सुराखदार थैली की तरह से है और इस थैली के सब सुराख एक बड़ी कैविटी में खुल रहे हैं जो दरमियान में मौजूद है और इस कैविटी के ऊपर मुंह वाक़े है। अजीज़ तलबा, यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि जो शक्लें आप देख रहे हैं ये दरअसल स्पंज के ढांचे हैं। इनके सेल्स ख़त्म हो चुके हैं। इनके सेल्स दरअसल ख़ास किस्म के मादे खारिज करते हैं जो सख्त होकर उनका ढांचा या स्केलेटन बनाते हैं। इस सख्त ढांचे की वजह से स्पंज की साख बरकरार रहती है। पॉरीफेरा जानवरों की अक्सरियत समंदरों में चट्टानों या दूसरे जानवरों से चिपक कर गैर मुतहरिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम तीसरे फाइलम की खसूसियात का जायज़ा लेते हैं। इस फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा। ये एक लातीनी लफ्ज़ सीलेंट्रॉन से लिया गया है। सीलेंट्रॉन का मतलब है एक ऐसी कैविटी जो हाजमे की नाली का काम करे। सीलेंट्रेटा के तमाम जानवरों में ये कैविटी पाई जाती है। फाइलम सीलेंट्रेटा में बाज़ जानवर नहायत खूबसूरत और नादिर साख के हैं। आइए अब हम इनका मुशाहिदा करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रही हैं ये हाइड्रा नाम के जानवर की है। इसका साइज़ तकरीबन 1 सेंटीमीटर है और इसका जिस्म सिलेंडर किसी शक्ल का है। ऊपर की जानब मुँह वाक़ है जिसके गिर्द बहुत सारे टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। इस शक्ल को देखिए, ये हाइड्रा के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या एलएस की तस्वीर है। दरमियान में आप देख रहे हैं यहाँ सीलेंट्रॉन है, यानी हाजमे की नाली। हाइड्रा का जिस्म सेल्स की दो तहों पर मुश्तमिल है। ये देखिए, अंदर की जानिब ये अंदरूनी तह है और ये बैरूनी तह। इन दोनों के दरमियान में एक स्याह रंग का मादा दिखाया गया है, ये मीज़ोग्लिया है। इस शक्ल में आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में ऊपर की जानिब माउथ है या मुँह, और इसके चारों तरफ यहाँ हमें टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। टेंटिकल्स का काम ये है कि ये पानी के रुख को मुंह की जानिब मोड़ देती हैं ताकि पानी के अंदर खुराक और ऑक्सीजन जो मौजूद होती है वो हाइड्रा इसको जज्ब कर सके। इस फाइलम के जानवरों की एक और खसूसियत है और वो ये कि इनके जिस्म में ख़ास अज़विये होते हैं जो शिकार करते हैं और खुराक को काबू करते हैं। ये अज़विये नेमेटोसिस्ट कहलाते हैं, जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं। ये कैप्सूल की शक्ल के अज़विये हैं जिनके एक सिरे पर ढकना होता है और इस कैप्सूल में एक चाबुक सी बंद है। ये चाबुक खुराक और शिकार की मौजूदगी में मुतहरिक हो जाती है और एक झटके से इसके अंदर से ये चाबुक निकलकर कोड़े की तरह शिकार पर बरसती है और उसे मफलूज या पैरालाइज कर देती है। टेंटेकल्स में नेमेटोसिस्ट की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। सीलेंट्रेट जानवरों में आसाबी खलिये जाल की शक्ल में फैले हुए होते हैं और इसके साथ साथ रोशनी महसूस करने वाले आज़ा भी होते हैं। सीलेंट्रेट जानवरों के जिस्म में अगरचे बाकायदा निज़ाम या सिस्टम्स नहीं होते, लेकिन इनके सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की शक्ल में मुनज़्ज़म और मरबूत होते हैं। सीलेंट्रेट्स में अफजाइश नस्ल सिन्फी भी होती है और गैर सिन्फी भी। गैर सिन्फी बज़रिए बडिंग होती है। ये देखिए, ये एक और सीलेंट्रेट है। इसका नाम कॉरल है, इसे भी कहा जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये दरअसल मूंगे का ढांचा या स्केलेटन है।
बास सिलेंट्रेट्स के सेल्स ऐसी रतूबत खारिज करते हैं जो सख्त होकर ढांचे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये खूबसूरत मूंगे इसी किस्म के सिलेंट्रेट्स हैं। ये गैर मुतहरिक जानवर हैं जो आम तौर पर साहिली इलाकों के उथले पानी में ज़मीन से चिपक कर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब आइए चौथे फाइलम की तरफ। इसका नाम फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस है। इसमें ऐसे जानवर शामिल हैं जिनके जिस्म पतले और चपटे हैं, जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये लिवर फ्लूक है और ये टेपवर्म है। इन जानवरों के जिस्म तीन खलियों पर मुश्तमिल होते हैं। इनके जिस्म में नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अक्सर के जिस्म में बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जैसे कि लिवर फ्लूक की अंदरूनी साख्त में आप देख रहे हैं। अलबत्ता इन जानवरों में रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होते और ना ही इनमें कोई स्केलेटन होता है। लिवर फ्लूक मुख्तलिफ जानवरों और इंसान के जिगर में बतौर तुफैली रहता है। टेपवर्म इंसान की आंतों में बतौर तुफैली रहता है और नुकसान पहुंचाता है। आइए अब देखते हैं पांचवें फाइलम के जानवरों को। इस फाइलम का नाम है निमेटोडा। निमेटोडा में ऐसे जानवर शामिल हैं जिनके जिस्म की शक्ल सिलेंडर से मिलती जुलती होती है और इसके दोनों सिरे बतदरीज पतले या बारीक होते जाते हैं। इस फाइलम में जो जानवर आप देख रहे हैं इसका नाम है एस्कैरिस। इसे गोलकरम या मलब भी कहा जाता है। ये इंसान और दूसरे जानवरों में बतौर तुफैली रहता है। निमेटोड जानवरों के जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें दिमाग भी होता है, लेकिन इनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी तनफ्फुजी निज़ाम और निज़ाम दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाए जाते। फाइलम निमेटोडा के जानवर नम मिट्टी में, ताज़ा और नमकीन पानी में और दूसरे जानवरों और इंसान के जिस्म में बतौर तुफैली रहते हैं। इस फाइलम में थ्रेडवर्म, हुकवर्म वगैरह शामिल हैं। आइए अब देखते हैं छठे फाइलम के जानवर। इस फाइलम का नाम है एनीलिडा। ये देखिए, ये हमारा जाना पहचाना जानवर है। इसका नाम है अर्थवर्म या केचवा। इसके जिस्म की सतह पर ये रिंग्स आप देख रहे हैं, ये दरअसल सेगमेंट्स हैं। नीरिस भी इसी फाइलम का जानवर है और इसमें भी आप ये हल्के या रिंग्स देख रहे हैं। इस फाइलम के जानवरों के जिस्म कतादार या सेगमेंटेड होते हैं। इन जानवरों में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। इस लिहाज से ये पेचीदा साख्त वाले जानवर हैं। अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसके कई जानवर हमारे जानी पहचाने हैं, मसलन केकड़े, बिच्छू, मकड़ी, लाल बेग, तितली, शहद की मक्खी और आम मक्खी वगैरह। इन सब को गौर से देखिए। इनकी खासियत ये है कि इनकी टांगें छः या ज़्यादा हैं और ये टांगें जोरदार हैं। इनके जिस्म के गिर्द एक सख्त खोल होता है जो काइटिन से बना हुआ है। इस फाइलम के जानवरों में सब निज़ाम पूरी तरह मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि जानवरों की साख्त बतदरीज पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। ये फाइलम जो हम अब देख रहे हैं ये आठवां फाइलम है और इसका नाम है मोलस्का। इसमें घोंगे और सीपियाँ वगैरह शामिल हैं। इन सब जानवरों की साख्त बहुत पेचीदा होती है और इनमें तमाम सिस्टम्स शामिल हैं। इनके जिस्म के गिर्द एक खोल होता है जिसको हम शेल भी कहते हैं और ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ऑक्टोपस या हस्तपा इसी फाइलम के जानवर हैं और ये ज़्यादातर समंदर में रहते हैं, जबकि कुछ जानवर ताज़ा पानी या मरतूब ज़मीन में भी रहते हैं। और नवा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब है खारदार जिल्द वाला। इस फाइलम में जितने भी जानवर हैं वो सब समंदर में पाए जाते हैं और इनकी जिल्द खारदार होती है यानी कांटों वाली। इनके जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम खासे तरक्की याफ्ता हैं। सितारा मछली या स्टारफिश एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म में बाजू होते हैं, इसीलिए इसे सितारा मछली कहा जाता है। इस फाइलम में केक अर्चिन और सी अर्चिन भी शामिल हैं। फाइलम कॉर्डेटा दसवां और आखिरी फाइलम है। कॉर्डेटा में जो जानवर शामिल हैं उनमें तीन खसूसियात पाई जाती हैं। नंबर एक तो ये कि इनके जिस्म में सलाख नुमा साख्त होती है जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है।
दूसरी खसूसियत यह है कि इनके जिस्म में नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पर पाया जाता है, और तीसरी खसूसियत यह है कि इनके अंदर फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर स्लिट्स पाई जाती हैं, यानी इसमें सुराख होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी जानवर शामिल हैं उनमें ये खसूसियात तो मौजूद होती हैं, लेकिन बाज़ जानवरों में ये खसूसियात बालिग होने के बाद भी बरकरार रहती हैं, जबकि बाज़ जानवरों में ये खसूसियात सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक रहती हैं और उसके बाद ये गायब हो जाती हैं। हमारे पास एक मिसाल है फाइलम कॉर्डेटा की, और इसको हम कहते हैं एम्फियोक्सिस। आइए देखते हैं, ये आपके सामने एम्फियोक्सिस का मॉडल है। एम्फियोक्सिस को लेंसलेट भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा जानवर है जिसमें कॉर्डेटा की तमाम खसूसियात बरकरार रहती हैं। तो देखिए इस मॉडल में ये नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग में, ये इसकी नर्व कॉर्ड है, यानी ये इसका डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, और इसके नीचे ये जो हल्के पीले से रंग में दिखाई दे रही है ये रॉड की शक्ल की साख्त है, जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये गिल स्लिट्स हैं। कॉर्डेट्स की ये तीनों खसूसियात एम्फियोक्सिस में ज़िंदगी भर बरकरार रहती हैं। कॉर्डेटा में जो जानवर शामिल हैं सॉफिश, इलेक्ट्रिक रे, सी हॉर्स, फ्रॉग, सांप, कछुआ, कबूतर, फाख्ता, गिलहरी, खरगोश, छछूंदर, व्हेल, बनमानस और इंसान शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, ये तो थे जानवरों के 10 फ़ाइला और उनकी आम खसूसियात। आइए अब देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने क्या देखा और क्या सीखा, इसका मुख्तसर जायज़ा ले लें। जमात बंदी अशिया, जानदारों, वाक़ियात और लोगों के बड़े ग्रोह को तकसीम दर तकसीम करने के अमल का नाम है। जमात बंदी से अशिया, लोगों, जानदारों और वाक़ियात के ग्रोह में तंजीम व तरतीब पैदा होती है, जिससे उनका हवाला देना, उन्हें पहचानना और उनका एक दूसरे से मुवाजना करना आसान हो जाता है। जानदारों की गिरोह बंदी उनकी साख्त और दीगर खसूसियात में ममासलत और अदम ममासलत की बुनियाद पर की जाती है। जानवरों की गिरोह बंदी कई मराहल में की जाती है। हर मरहला पर बनने वाले गिरोहों को एक ख़ास नाम दिया जाता है, किंगडम, फाइला, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा और सबसे आखिर में स्पीशीज़ आ जाता है। क्लासिफिकेशन की आखिरी मरहला पर ऐसे ग्रुह बनते हैं जिनमें हर एक में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के जानदार शामिल होते हैं। जानवरों की किंगडम को कई बायोलॉजिस्ट 10 फाइला में तकसीम करते हैं और कुछ ज़्यादा में। हर फाइला के नाम और उनकी एक एक मिसाल ये हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल अमीबा। फाइलम पॉरीफिरा, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। फाइलम सीलेंट्रेटा, एग्जाम्पल हाइड्रा। फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस, एग्जाम्पल लीवर फ्लूक। फाइलम नीमाटोडा, एग्जाम्पल एस्केरीज। फाइलम एनिलीडा, एग्जाम्पल नेरीज। फाइलम आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन। फाइलम मुलस्का, एग्जाम्पल ऑक्टोपस। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल स्टारफिश। फाइलम कॉर्डेटा, एग्जाम्पल फिश। ये तो थे आज के प्रोग्राम के अहम नुकात। अगला प्रोग्राम पौधों की जमात बंदी के बारे में होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।